डियर जिंदगी का शूटिंग लोकेशन है। यहाँ दोस्तों वो लोग साइकिल में थे, मैं स्कूटर में हूँ। होने को तो एक सिंपल सा रोड है ये, लेकिन यहाँ पे डियर जिंदगी शूटिंग हुआ था बोल के इन दिनों काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बन चुका है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आजकल तो एंट्री टिकट भी लगने लगा है। गो ऑफिस वाले जितना भी खाओ मन नहीं भरता। देखिए मैंने अभी क्या खाया है। और ये है कलंगुट बीच। यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर गोवा को सच्चे दिल से प्यार करेंगे तो पूरा गोवा आपको यहाँ पर रोकने के साजिश में लग जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम गोवा। आज है डे 9। ऑफिशियली अभी हमको अमरावती एक्सप्रेस में होना चाहिए था, वास्कोडागामा टू शालीमार, लेकिन हम लोग हैं लिफ्ट में, टॉप फ्लोर में जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि हमारा जो ट्रेन टिकट है वो कन्फर्म नहीं हुआ। यहाँ दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में वेटिंग में ही ट्रैवल किया था। मेरा आने का तो कन्फर्म था, लेकिन जाने का 9:10 में था वेटिंग, तो मुझे लगा था कि हो जाएगा बोल के, लेकिन हुआ नहीं। कल रात को ही मैसेज आया कि हमारा टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है बोल। हमारे टेरेस से समंदर का व्यू देखिए। मज़े की बात तो यह है कि यहाँ पे ऐसा सुंदर जगह में गोवा में और एक दिन हमको मिल गया रहने के लिए एक्स्ट्रा, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ से जाएंगे कैसे। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, वो है फ्लाइट। अभी हमको फ्लाइट में ही जाना पड़ेगा। तो मैं गोवा से सीधा झारसुगुड़ा को फ्लाइट चेक कर रहा हूँ। फ्लाइट तो बहुत सारे हैं लेकिन कनेक्टिंग है और प्राइस उनका बहुत हाई है। अल्फ सडन ऐसे अगर फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो प्राइस तो ज़्यादा ही होता है, वही दिक्कत है। खैर जो भी हो, नाश्ता कर लेते हैं। आज कहीं बाहर गए नहीं हम लोग, हमारे होटल के ऊपर ही आए हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में उपमा है और उपमा के साथ कॉफ़ी। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ प्लानिंग तो है नहीं क्योंकि प्लानिंग था नहीं। ये एक ओदिनिया बरसा कि जैसा एक दिन हमारे ऊपर बारिश हो गया है जिसका कोई प्लान नहीं है। तो एक जगह बच गया था हमारा गोवा में। वैसे तो वहाँ पे नहीं जाएंगे बोल के सोचे थे हम लोग, क्योंकि वो कोई स्पॉट नहीं था। अभी कुछ दिनों से एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है वो धीरे धीरे करके, तो वहाँ जाके थोड़ा घूम के आएंगे बोल के सोचे हैं आज। डियर जिंदगी का जो शूटिंग लोकेशन है, जो रोड वाला सीन है, जो साइकिल में दोनों ड्राइव करके आ रहे होते हैं और आलिया भट्ट जी जो गिर जाते हैं वहाँ पे, वही वाला लोकेशन में जा रहे हैं अभी। इन दिनों काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है वो, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा के आ रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं बहुत सारे। तो पहले तो वहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं था, वो नॉर्मल एक रोड ही था, लेकिन अभी एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है यहाँ पे। अभी एंट्री के लिए आपको टिकट भी पड़ रहा है यहाँ पे पार्किंग के लिए, तो एक काफ़ी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है ये गोवा में। बस इतना सही है, एक रोड ही है, दोनों तरफ नारियल का पेड़ है, साइड साइड में खेती है, आगे गांव है और पीछे गोवा का रास्ता है, और कुछ नहीं। बस यहाँ आएंगे, थोड़ा याद करेंगे ऐसे ऐसे हुआ था बोल के। वो लोग साइकिल में जा रहे थे, हम लोग स्कूटर में जा रहे हैं। हम भी थोड़ा रिक्रिएट कर रहे हैं सीन को, आगे हम भी जाके गिरेंगे। नहीं नहीं गिरेंगे नहीं, हमारा तो बजट उतना नहीं है गिरने का। कुछ भी नहीं है ये जगह में, सिंपल सा रोड है, दोनों तरफ नारियल का पेड़ है और दोनों तरफ खेती है। बस हम लोग ही हैं जो इसको इतना फेमस बना दिए हैं। यहाँ आके हम लोग टाइम बिताने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे, रील्स बनाने लगे। भीड़ इतना यहाँ पे हुआ कि ये लोग मजबूर हुए यहाँ पे एंट्री टिकट डालने के लिए। तो यही बात है और कुछ भी नहीं। बस इसका खासियत यही है कि डियर जिंदगी मूवी का शूटिंग लोकेशन है ये। जो डियर जिंदगी मूवी में जो साइकिल वाला सीन है ना, वो इसी रोड पे लिया गया था। तो
कलंगूट से 5 किलोमीटर, मैप में आप डायरेक्ट लिखेंगे डियर जिंदगी लोकेशन और मैप यहाँ पे आपको ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो रॉकेट साइंस, फॉलो गूगल मैप। Love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi। फ्रेश होके हम लोग सीधा निकल रहे हैं लंच करने फिश हाउस कलंगूट में। ये बढ़िया रेस्टोरेंट है, बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है, अच्छा टेस्ट भी अच्छा है इसका। ये है आपका आगुड़ा फोर्ट रोड में। सो लंच आ चुका है हमारे टेबल में। हम लोग 2 किंगफिश थाली ऑर्डर किए हैं और साथ में स्किड मसाला एक्स्ट्रा। किंगफिश थाली जो है ये नॉर्मल है, इसका प्राइस है 200 रुपये, और स्किड फ्राई तो हमेशा रहता है, मेरा फेवरेट है वो, कहीं पे भी खाऊं। फिश थाली के अलावा और कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्किड मसाला बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, थाली भी बहुत अच्छा लग रहा है, और किंगफिश का रवा फ्राई है इसमें, फिश करी है, और जो स्नेल्स है वो क्लैम्प वो भी है इसमें। तो चलिए टेस्ट करते हैं। ये किंग फिश यानी कि बड़ा फिश, और ये है स्किड, स्किड का रिंग्स है, कालामारी। ये तो देखा हुआ है आप, ये हर जगह में मिल रहा है गोवा में, स्मॉल क्लैम्प्स है ये, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये पूरा थाली में सबसे डिलीशियस है किंग फिश, उसके बाद है ये स्किट, बहुत सुंदर। खाना बहुत बढ़िया है फिश हाउस कलंगूट में, टेस्ट बहुत अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं, थम्स अप है। ज़्यादा तो खा लिए अभी हम लोग, ये जो क्लैम्स है बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत सुंदर टेस्ट है इसका। तो अभी हम लोग थोड़ा शाम को थोड़ा बैठेंगे और चिंता थोड़ा सोचेंगे कि कैसे जाएंगे। तो ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म है दोस्तों, अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। अभी जर्नी जो है फ्लाइट जर्नी हमारा, फ्लाइट में तो जा रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगले ब्लॉग में। फिलहाल ये ब्लॉग ख़त्म है, बाय बाय, टेक केयर। ऑनेस्टली गोवा का शाम बहुत बेहतरीन है।